कुंभ मेला 2019 का आयोजन संगम नगरी प्रयागराज में किया जा रहा है। कुंभ मेला मकर संक्रांति 14 जनवरी से शुरू होकर महाशिवरात्रि 4 मार्च तक चलेगा। हिंदू धर्म के मुताबिक मान्यता है कि किसी भी कुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान या 3 डुबकी लगाने से सभी पुराने पाप भूल जाते हैं। महाकुंभ का आयोजन केवल 4 शहरों में किया जाता है। ये शहर है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कुंभ का इतिहास समुद्र मंथन से शुरू होता है। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी थी। पवित्र अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन के दौरान अनगिनत मूल्यवान वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। अमृत निकालते ही देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ गए थे, और जब वो आकाश में उड़ गए, अजयंत के आकाश में अमृत लेकर उड़ जाने के बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया, और काफी मेहनत के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। देवता और राक्षस दोनों उस कुंभ को पाने के लिए आगे बढ़े। इसे पाने के लिए 12 दिन तक देवताओं और राक्षसों के बीच महायुद्ध चला। युद्ध के दौरान गलती से कलश में से पवित्र अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी। पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी बूंद हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी बूंद नासिक में जाकर गिरी। यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन्हीं 4 स्थलों पर मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में पूरे 12 दिन तक युद्ध हुआ था, लेकिन पृथ्वी लोक में स्वर्ग लोक का 1 दिन 1 साल के बराबर माना जाता है। इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। मनुष्य जाति को अन्य 8 कुंभ मनाने का अधिकार नहीं है। यह कुंभ वही मना सकता है जिसमें देवताओं के समान शक्ति एवं यश प्राप्त हो। यही कारण है कि शेष 8 कुंभ केवल देवलोक में मनाए जाते हैं। इसके अलावा प्रयाग कुंभ मेला दूसरे कुंभ मेले की तुलना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह कुंभ प्रकाश की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रतीक सूर्य का उदय होता है। जिस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है उसे ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने यही अश्वमेध यज्ञ किया था। इस यज्ञ के दौरान यहाँ पर आज भी उस यज्ञ की प्रतीक स्वरूप यहाँ पर वो यज्ञ कुंड है। इसी के साथ साथ इस दौरान जो दशमेघ घाट था उसका भी निर्माण है, ब्रह्मा जी ने बैठकर यज्ञ किया था। साथ ही साथ ब्रह्मेश्वर मंदिर अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इनके कारण आज कुंभ मेला पूरे विश्व में जाना माना कुंभ मेला माना जाता है और इसे पवित्र भी माना जाता है। आपको पता चल रहा है कि इस स्थान पर आने के बाद में आपको अत्यंत ऐसे ऋषि मुनियों की दर्शन होंगे जिन्होंने न जाने कितने ही वर्ष लगातार तपस्या किए और लगातार उनकी भक्ति से और उनके प्रवचन से, उनके वचन से आपको ये मालूम पड़ेगा कि धरती पे आज भी ऋषि मुनियों का इस प्रकार का समावेश है। एंटी करप्शन न्यूज़ एंड व्यूज़।